नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकुर क्लासेस में। तो दोस्त, मैं आज आपके लिए फिर से अपना जो टेस्ट सीरीज है उसमें जो अपने क्वेश्चन है फिर से लाया, जो कि प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे कि आप सबको पता है, मैं डेली इस पे 15 से 20 मिनट एक क्वेश्चन डालता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप मेरे डेस्कटॉप पर देख रहे हो दोस्तों, ये अपना 1543वां क्वेश्चन है, मतलब कि हम 1542 क्वेश्चन कर चुके हैं इसके पहले के, ठीक है, जो कि हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। और साथियों, आपके लिए खुशखबरी आज, जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो MPTO मध्य प्रदेश प्रशिक्षण अधिकारी, उसका अपना जो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि मैं इसको यहां पे डाल चुका हूं, इसका जो लिंक है साथ में, इसका मैं क्या क्या लग रहा है उसमें आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो आप बहुत ही अच्छे से इसका फॉर्म भर सकते हैं और अपना मतलब जो आपका गोल है उसको निश्चित रूप से पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे आप देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा साथियों, पहला क्वेश्चन अपना कि आर्मेचर रिएक्शन का जो प्रभाव होता है ना, किस पे पड़ता है, मतलब कहां पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, यह होता है अपने जो पैदा होने वाला जो वोल्टेज है ना, उस पे यह पड़ता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, ईडी करंट क्षति निम्न में से किस पर निर्भर करती है, मतलब कि जो ईडी करंट लॉस होता है, जैसे कि आप सबको पता होगा ट्रांसफार्मर, मोटर, अल्टरनेटर, इन सब में जो होता है ना एडी करंट लॉस होता है ना, तो ये किस पे निर्भर करता है यह बोलना चाह रहा है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए एडी करंट, ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो एडी करंट होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए ना। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, इसमें देखिए ये हो जाएगा बी मैक्सिमम, ठीक है। बी मैक्सिमम मतलब कि बी क्या है, इसमें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा साथियों, ठीक है। इनटू क्या हो जाएगा, इसमें जो अपने फ्रीक्वेंसी होती है उसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, इनटू जो अपनी थिकनेस होती है ना, थिकनेस किसकी आ जाएगी, जो अपनी पट्टियां होती पतली पतली जो सिलिकॉन स्टील की बनती है, तो उसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा साथियों। ये टी है साथियों, है ना, टी मतलब कि अपना थिकनेस है, किसकी पत्ती की मोटाई है, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि एडी करंट क्षति निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही दिया है, वो भी क्या है, अपना जो थिकनेस है ना उस पर यह निर्भर करेगी। देखिए ये वाई वी और जेड इन सब पे तो यहाँ पे नहीं करती, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। और ये लास्ट में दोस्तों यहाँ पे लिख देना वाट आता है, मतलब ये जो लॉसेस होते हैं ना ये वाट में होते हैं ना, तो ये आपको फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बी मैक्सिमम, बी क्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो एफ का फ्रीक्वेंसी, टी का थिकनेस है, थिकनेस माई कोर, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी परिपथों में एसी परिपथों द्वारा धारा के मान में होने हो रहे परिवर्तनों का विरोध करता है, मतलब कौन विरोध करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम इंडक्टेंस बोलते हैं ना। इंडक्टेंस जो क्या करता है, धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। अगर सपोज आपको वो वोल्टेज दे दे तो उसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, उसमें कैपेसिटेंस मतलब कि अपना जो सी होता है ना संधारित्र, वो क्या करता है वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है, उसे कैपेसिटेंस बोलते हैं। लेकिन हमें यहाँ क्या पूछा है, धारा के मान में पूछा है, तो हम क्या लगाएंगे, इंडक्टेंस लगाएंगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 220 केवी ट्रांसमिशन लाइनों में प्रयुक्त इंसुलेटर होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे डेस्कटॉप पे, आप जैसे यहाँ पे पिन दिया हुआ है, तो ये तो अपना 11 तथा 33 केवी में यूज होता है। उसके बाद में देखिए शेकल, ये क्या होता है 440 और 230 मतलब कि LT सप्लाई में यूज होता है, स्टैंड टाइप भी कायम है, और जो स्टैंड टाइप होता है ये अपना 11 केवी 33 में होता है, ठीक है। अब क्या बच गया साथियों इसमें आपके लिए, तो बस एक ही ऑप्शन बच गया ना, इसका मतलब इसका आंसर इस पे सस्पेंशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है। शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पे क्या होता है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि जब भी अगर तापमान बढ़ता है तो जो अपना मेटल होता है, जो कंडक्टर होता है ना, उनका जो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है ना, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सपोज पूछता है कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो घटता है, कब, इसी निश्चित मानता है कि घटता है रेजिस्टेंस, किसमें, सेमीकंडक्टर में होता है वो। और आपने को क्या पूछा, इन्होंने शुद्ध धातुओं का पूछा, तो इसमें क्या आ जाएगा, बढ़ता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि भारत में अधिकतम उत्पादित एसी वोल्टेज का मान कितना होता है, मतलब कि जनरेटिंग वोल्टेज अधिकतम कितना होता है। तो वह होता है साथियों अपना कि जो 33 केवी होता है ना वहां तक इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आपने हेतु वोल्टमीटर को परिपथ में कहां जोड़ा जाता है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए, पहली बात तो उसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इतना आपको पता होगा कि जो वोल्टमीटर होता है ये क्या होता है, समांतर क्रम में जोड़ता है, ठीक है। ये श्रेणी तो ये आएगा नहीं और ये भी श्रेणी नहीं आएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए, एक तो सप्लाई के समांतर क्रम में और लोड के समांतर क्रम में। अब जब भी आपको अगर ये दो ऑप्शन हो तो आपको ये लगाना है कि लोड के समांतर क्रम में। अगर आपको सिर्फ ऐसा नहीं दिया हो, ओनली समांतर क्रम में, अगर सप्लाई के समांतर क्रम में दिया हो ओनली वाला ऑप्शन, तो आपको फिर समांतर क्रम में लगाना है, ठीक है।
पर यहां दिया लोड के समांतर क्रम में, तो उस कंडीशन में ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि पी प्रकार के पदार्थों में धारा का जो प्रवाह होता है ना किसके कारण होता है, तो वह होता है अपने होल्स के कारण होता है। ठीक है, जिसे कोटर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो एन पदार्थ होते हैं ना उनमें इलेक्ट्रॉनों के कारण मतलब धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, दोनों क्लियर हो गया हुआ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि दो अलग अलग धातुओं के तारों को आपस में जोड़ने के लिए किसकी अनुशंसा की जाती है। तो इसका आंसर देखिए साथियों, कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, ज्वाइंट भी लगा देते हैं टेप, मतलब इस टाइप के ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें देखिएगा आप कनेक्टर की सहायता से इसमें इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए दो अलग अलग धातु के तारों को आपस में जोड़ने के लिए क्या बोलना चाहता है। ठीक है ना, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि जो अपना विदर होता है ना, आप सबको पता है बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हो ट्रांसफार्मर, उसमें विदर लगा होता है, वह क्या करता है, जो ट्रांसफार्मर की जो नमी होती है ना, यानी ट्रांसफार्मर में नमी को प्रवेश करने से रोकना ही विदर का कार्य कहलाता है, जिसके अंदर में क्या होता है दोस्तों, सिलिका जेल भरी होती है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो इसका काम क्या, नमी को रोकने का काम है। अब आपको इसका नाम लिया है मैंने सिलिका जेल का, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको बोल देगा कि जो सिलिका जेल होती है, जो फ्रेश सिलिका जेल होती है, उसका कलर कैसा होता है, तो उसका जो कलर होता है साथियों नीला होता है। ठीक है, जब फ्रेश हो मतलब कि अच्छी और शुद्ध कंडीशन में हो, और जब वो खराब हो गई या फिर नमी युक्त हो गई, तो वो क्या होगा, हल्की गुलाबी या फिर हल्का सा सफेद हो जाएगा, हल्की गुलाबी या फिर सफेद हो जाएगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्फा का मान, अल्फा गेन का अधिकतम मान क्या होता है। दोस्तों इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, देखिए ये तो आपको ऐसा कंडीशन है, तो 0.995 इसका यह आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि एसी 50 हर्ट्ज 200 वोल्ट वोल्टेज का फॉर्म फैक्टर क्या होता है। कुल मिला के दोस्तों ये आपको फॉर्म फैक्टर पूछना चाह रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जो फॉर्म फैक्टर होता है वह किसका अनुपात होता है, वह भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से हर चीज इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपको पता होगा जो फॉर्म फैक्टर होता है RMS वैल्यू अपन के अपनी जो औसत वैल्यू होती है, मतलब कि एवरेज वैल्यू होती है, उसके अनुपात को हम फॉर्म फैक्टर बोलते हैं, जिसका मान कितना आता है 1.11 आता है। जैसे कि आपको इसके बारे में और पता होना चाहिए कि जो RMS वैल्यू होती है वह कितनी होती है, 0.707 या साथ ही यहां पॉइंट, ठीक है यहां पॉइंट लगा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 0.637, मतलब कि 0.637। ठीक है, इसमें जब 0.70 में आप 0.637 का जब डिवीजन मतलब भाग दे देंगे, तो जो उसका आपका आंसर निकल के आएगा 1.11 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि टार्क का मात्रक क्या होता है। तो आप सबने पढ़ा होगा डीसी मशीन में, है ना, टार्क का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, बोलना चाह रहा है कि एक डीसी सीरीज मोटर के सप्लाई संयोजन बदलने पर मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब उल्टी घूमेगी सीधी घूमेगी, मतलब क्या होगा। तो दोस्तों यह डीसी सीरीज मोटर है, इसीलिए उस पर क्या होगा, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सपोज दैट अगर ये आपकी थ्री फेस एसी मोटर होती और आप उसके क्या करते मतलब कि जो कनेक्शन होते उसको अगर चेंज कर देते, तो उसकी मोटर की घूमने की दिशा परिवर्तित हो जाती है ना, थ्री फेस मोटर एसी में बोलता। लेकिन इन्होंने देखिए स्पष्ट लिख के दिया है कि एक डीसी सीरीज मोटर की सप्लाई संयोजन बदलने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ISI की स्थापना किस वर्ष की गई थी या फिर कब हुई थी। तो यह आता है 1956, ईयर कितना आता है 1956। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक डीसी मोटर का स्टार्टर मुख्य कार्य क्या करता है, मतलब आप सबको पता होना चाहिए कि जो डीसी मोटर होता है ना उसमें हम क्या करते हैं साथियों, स्टार्टर लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं ये भी पता होना चाहिए, कितने प्रकार के स्टार्टर होता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि डीसी मोटर में देखिए पहली बात तो एक होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और एक होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट स्टार्टर सीरीज मोटर में लगता है, 3 पॉइंट स्टार्टर शंट मोटर में लगता है, जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है कंपाउंड मोटर में यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये क्यों लगाया जाता है, ताकि हमारे स्टार्टिंग करंट को सीमित कम किया जा सके, जिससे क्या होगा अपनी वाइंडिंग को मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है ना
जल ना पाए, मतलब क्यों नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो स्टार्टिंग में जो आर्मेचर होता है ना उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। अगर सपोज दैट हम स्टार्टिंग में उसको ज़्यादा करंट दे देंगे तो जिससे क्या होगा, आर्मेचर बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। इसीलिए हम अपना जो स्टार्टर्स होते हैं इसके माध्यम से हम जो अपना करंट होता है उसको कम करके सप्लाई देते हैं। जब वो पूर्ण स्पीड पकड़ लेता है तब उसका मान को, मतलब रेजिस्टेंस के मान को धीरे धीरे कम करके उसको मतलब उस पर डाल देते हैं। जब आप प्रैक्टिकल किया होगा आईटीआई में तो आपने देखा होगा 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर तथा 4 पॉइंट स्टार्टर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मापक यंत्र प्रत्यावर्ती धारा के किस मान को मापते हैं। तो जो मापक यंत्र मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मापक यंत्र होता है ना वो किस मान को दर्शाता है। तो वो अपने जो आरएमएस मान को दर्शाता है, जो धारा का आरएमएस मान होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जो रूट आरएमएस होता है रूट मैन स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 0.707। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर फैक्टर किस कारक पर निर्भर करता है। जैसे कि आपको पता होगा अल्टरनेटर्स होते हैं, जो ट्रांसफार्मर होते हैं, इनका जो पावर फैक्टर होता है ना ये दोस्तों लोड पे निर्भर करता है, लोड पे निर्भर करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फ्यूज होता है ना, किसी फ्यूज तार की करंट वहन क्षमता निर्भर करती है, मतलब किस किस पे निर्भर करती है। तो कटाक्ष क्षेत्रफल, मतलब उसका एरिया, मतलब कि क्षेत्रफल पे भी करती है। पदार्थ की किस्म की, कॉपर का बना है या फिर अपने एल्यूमिनियम का बना है या फिर अपना लेड और टिन का बनता है ना, तो ये कैसा बना अथवा लंबाई उस पर भी, मतलब उपरोक्त सभी पे आ जाएगा। अब इन्होंने भी ये फ्यूज का नाम लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूज में जो बनता है वो कितने कितने परसेंटेज क्या क्या होता है। तो देखिए एक फ्यूज क्या होता है दोस्तों, वह टिन, देखिएगा इसमें क्या होता है साथियों, अपना जो फ्यूज होता है टीन मतलब कि हो जाएगा एस एन प्लस के पी बी मतलब होता है लेड। ठीक है, यहाँ पे लेड। ठीक है, तो देखिए अब आपको स्टैंडर्ड कंडीशन दिया होगा तो 63% क्या हो जाएगा अपना एस एन टीन हो जाएगा। जो पी बी होता है वो कितना हो जाएगा 30, इसमें दोस्तों कितना आ जाएगा 37% आ जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज में वैल्यू होती है। इन दोनों को मिश्रण करके हम क्या करते हैं, फ्यूज को बनाते हैं। अगर सपोज दैट यहाँ नहीं दिया हो तो आपको 60 टीन दे देगा तथा 40 पी बी दे देगा। अगर आपको अब ये आया है तो चलिए इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि जो SN होता है मतलब कि टिन, इसका जो गलनांक होता है दोस्तों कितना होता है, इसका जो गलनांक होता है वो होता है अपना 232 डिग्री सेल्सियस, और जो PB होता है मतलब कि लेड, इसका गलनांक होता है 332 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपको हार्डनेस बढ़ाना है किसकी, मतलब जो फ्यूज होता है, तो इसकी मात्रा को अधिक कर देंगे, किसकी मात्रा को, PB की मात्रा को, और ज्यादा मुलायम करना है तो हम क्या करेंगे SN मतलब कि जो 60% है ना उसको और अधिक कर देंगे। तो ये जो SN क्योंकि इसके 332 डिग्री सेल्सियस पे इसका गलनांक होता है। तो क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है कि अनंत प्रतिरोध किस परिपथ में होता है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुका है, चलिए मैं इसको आपके दोनों के दोनों, इसमें एक होता है शॉर्ट सर्किट और एक होता है ओपन सर्किट, उसको मैं दोनों को आपको क्लियर करा देता हूं। देखिए पहला आ जाएगा दोस्तों शॉर्ट सर्किट, ठीक है, CKT, ओके। इसके बाद आता है एक ओपन सर्किट, ठीक है, ओपन CKT, ठीक है। तो इनमें होता क्या है भैया, चलिए जानते हैं। अगर आपको शॉर्ट सर्किट में पूछता है तो उस कंडीशन में जो धारा होती है और जो रेजिस्टेंस होता है ना उसमें क्या क्या इफेक्ट को देखने को मिलेगा। तो देखिए शॉर्ट सर्किट होगा ना तो उस कंडीशन में धारा क्या हो जाएगी दोस्तों, इनफिनिटी हो जाएगी, मतलब कि अनंत हो जाएगी। और उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होता है ना वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब भी या शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, ठीक है। अब आपको पूछता है कि अब ओपन सर्किट कंडीशन है तो उस कंडीशन में जो धारा होगी ना उसमें क्या होगा तथा जो रेजिस्टेंस होगा ना उसमें क्या होगा। तो जो आई है मतलब कि करंट है ओपन सर्किट है तो वह जीरो हो जाएंगी तथा जो रेजिस्टेंस है ना वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को जरा अच्छे से पढ़िए, अनंत प्रतिरोध किस परिपथ में होता है। तो मैंने अभी आपको बताया, देखिए लिखा हुआ है ओपन सर्किट मतलब कि खुला परिपथ में, रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है आपको, दिखा रहा है ना अनंत दिखा रहा है ना। तो यही भी यही तो पूछा अनंत किसमें होगा, तो यह खुला परिपथ में हो जाएगा ना भैया मेरे। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके तुल्य होती है। तो दोस्तों इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 1000 वाट हावर, है ना, वाट हावर मतलब कि वाट घंटे। या फिर आपको यह आंसर में नहीं दिया होगा तो आपको यह भी लगा सकते हैं क्योंकि 1 BOT इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, इसमें देखिए 36 × 10⁵ है ना जूल भी होता है। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए भैया कि जो 1 kWh इक्वल टू क्या होता है, 1000 वाट आवर होगा ना, क्योंकि के मतलब 10³ होती है ना, ये पता होगा आपको। तो चलिए मैं आपको इसका निकाल के बताता हूँ कि जो अभी 36 × 10⁵ जूल जो होता है वो कैसे होता है। तो देख पा रहे होगी आप 1 के 1
के डब्ल्यू एच इज इक्वल टू, देखिए ये 1000 तो 1000 हुई गया आपको पता है ना, तो देखिए 1000 तो यहाँ पे मेरे को लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद में इनटू जो वाट होता है पावर, पावर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जूल पर सेकंड होता है ना, जूल पर सेकंड, देखिए एक वाट बराबर एक जूल पर सेकंड होता है ठीक है। इनटू देखिए हावर मतलब घंटा, घंटा का मतलब क्या होता है 3600 सेकंड होते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3600 आ जाएगा ना, तो देखिए 3600 सेकंड हो जाएगा, तो ये सेकंड से ए सेकंड का कैंसिल हो जाएगा मतलब उड़ जाएगा है ना। अब देखिएगा ये 3 जीरो है यहाँ पे भैया और ये 2 जीरो है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और ये 36 का गुना 1 में कर देना आप, मतलब ये 36 गुणित के 10 पर कितना हो जाएगा 5 की घात हो जाएगी ना। तो देखिए देखिए इधर कि 1 डब्ल्यू एच इज इक्वल टू क्या हो गया 36 आया था, इनटू के क्या था 10 पे 5 की घात हो जाएगी, क्योंकि 5 जीरो थे ना, क्योंकि साथियों कितने जीरो थे 5 जीरो थे ठीक है, तो ये 5 जीरो कायम हो जाएगा जूल में हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा ना जूल कैसे आया यहाँ पे है ना, क्योंकि देखा था आपने यहाँ पे मैंने जब वाट लिखा था तो वाट बराबर क्या होता है जूल पर सेकंड होता है ना, सेकंड तो सेकंड कट गया था ना ठीक है। तो 1 kWh इज इक्वल टू 36 गुणित के 5 पे 36 लाख जूल होता है ना आपको। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अपना एक BOT बराबर किसके बराबर होगा, तो वह होगा 1000 वाट घंटे के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे और 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए देखिए 746 लिखा हुआ है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक HP काय में ब्रिटिश में पूछता है, तो वो क्या हो जाएगा 746 मतलब कि 740 वाट। अगर एक HP बराबर काय में पूछता है, मेट्रिक में पूछता है, तो 735.5 वाट हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ अर्धचालक के कंडीशन में, मतलब कौन सा पदार्थ अर्धचालक है, यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिए हुए ठीक है, तो उसका आंसर आ जाएगा साथियों। देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही देगा, कॉपर तो पता है आपको अपना कंडक्टर है ना, कंडक्टर मतलब आपको पता है धारा प्रवाहित होती है उसमें ठीक है, जस्ता भी पता है कंडक्टर है, जो हाइड्रोजन है गैस है ठीक है। अब बचा कौन भी है यहाँ पे, सिलिकॉन ही तो बचा, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, मतलब सिलिकॉन क्या हो जाएगा अपना सेमी कंडक्टर होता है, जिसका प्रमाण क्या परमाणु क्रमांक कितना होता है 14 होता है ना। तथा आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो भी अपना अर्धचालक है उसके अंतिम कक्षा में क्या होता है 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, मतलब वो चतुसंयोजी पदार्थ कहलाता है ठीक है। यह आपने कहा हमें आता है अर्धचालक मतलब कि जितने भी अपने ट्रांजिस्टर डायोड ये सब सेमीकंडक्टर मटेरियल बने होते हैं, इन सब के बने हुए होते हैं, तथा इसका अपने जर्मेनियम भी पता है आपको पता होगा ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि एक वेव वाउंड आर्मेचर में 8 पोल है तो समांतर पथों की संख्या क्या होगी। देखिए भैया इनने क्या बोला, पहले बात हमको ये क्लियर कर दिया कि वेव वाउंड जनरेटर है मतलब आर्मेचर है ठीक है। तो वेव वाउंड में क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, चाहे पोलों की संख्या कुछ भी हो वेव में ठीक है। अगर सपोज आपको लेप में पूछता तो उस कंडीशन में जो आर्मेचर पथों की संख्या क्या हो जाती, ए बराबर पी हो जाती, उस कब हो जाती लेप में है ना। तो याद रखिएगा जो अपना जनरेटर होते हैं ना उनमें जो आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है ना वो 2 टाइप की होती है, लेप और वेव। आर्मेचर में समांतर पदों की संख्या 2 होगी किस कंडीशन में, जब वेव होगा। आर्मेचर में ए बराबर पी कब होगा, जब लेप होगा। तो क्वेश्चन ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा एक अच्छा चालक है। भैया देखिए यहाँ पे काज बेकलेट पोर्शन ये सबके सब क्या है बेचारे कुचालक, इनमें क्या होती धारा प्रवाहित नहीं होती, तो इनमें से कोई नहीं इसका यह आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, एक 4 ध्रुव 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर की घूर्णन गति क्या होगी। तो देखिए क्या होगा, हमको क्या निकालना, स्पीड निकालना, काय में होती आरपीएम में होती, तो स्पीड बराबर क्या होता है साथियों 120 f, मतलब कि कितना दिया पी, देखिए 120 f अपान के पी होता है इसका फॉर्मूला, तो 120 गुणित के 50 अपान के पी कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ है, तो 4 का 4 4 3 12 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, इनटू के 50 हो जाएगा, जब आप इसका मल्टीपल कर लेना 5 3 15 और ये 2 जीरो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 1500 rpm ठीक, rpm आ जाएगा ठीक है। तो दोस्तों आज के अपने 25 क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करा दिया, और दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि एसटीए जो बी वाले जो अपने डिप्लोमा कैंडिडेट है उन सबका मतलब कि जो एडमिट कार्ड आ चुका है 12, 14, 15 जो भी एग्जाम है उनका है ना, तो ठीक है अपना भी इसी महीने में 15-20 तारीख या फिर बोलो तो लास्ट तक आ ही जाएगा अपना, जो हम टेक्नीशियन ए वाले हैं बंदे है ना, आप सबको पता है आईटी वाले स्टूडेंट हैं हम लोग, तो आपका भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो ये देखिए ये आपका करीब हो गया 1567 क्वेश्चन हो गए मेरे है ना इसमें, तो आप अगर इनको डेली का रिवाइज करते तो दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में यार अभी आपका देखो कितना आज के हो गए 2 तारीख, ज़्यादा दिन बचा नहीं है, अगर आप अभी पूरी थ्योरी पढ़ने बैठोगे तो पता है आपको क्या होगा। इसलिए देखिए ये क्वेश्चन तो हर बार आई हुई क्वेश्चन है, और आपका जो क्वेश्चन का लेवल है इन्हीं पैटर्न का है, तो आपको पता है कि 80 क्वेश्चन टोटल आने वाले अपने टेक्निकल से है ना, तो उसके लिए दोस्तों बहुत ही बेस्ट है ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप सब तैयारी कर रहे होगे और बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी, तो इसी के साथ दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।